नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज़ शहरों। एक तरफ नए वेरिएंट के मिल जाने के बाद जहां कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, वहीं अव्यवस्थाओं का अनूपपुर जिले में तांता लगा हुआ है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अनूपपुर के जिले की, जहां अव्यवस्थाओं का तांता बिखरा पड़ा है। क्यों ऐसी बात है, जानने की कोशिश करते हैं क्या है अव्यवस्थाएं। और ये अव्यवस्थाएं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई हैं। बात इस समय की सबसे आवश्यक चीज से करें, जो कि ऑक्सीजन प्लांट है। ऑक्सीजन की व्यवस्था होना कितना आवश्यक है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन जिले की यदि हम बात करें तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी की समस्या को देखते हुए जिला चिकित्सालय सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परासी एवं पुष्पराजगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जानी थी। ये वायदे किन्होंने किए थे, ये वायदे किए थे प्रशासन ने कि ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना तो जल्द से जल्द हो जाएगी। इतनी ऑक्सीजन की कमी हो रही है जिले में तो ऑक्सीजन प्लांट की तो हो ही जाएगी स्थापना। लेकिन अब क्या हो गया, अब मानिएगा इस चीज को कि जिला चिकित्सालय में 1500 लीटर प्रति मिनट तथा प्रयासी और पुष्पराजगढ़ में 100-100 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाली मशीनें बैठाई जानी थी। अब जब आप इस बात पे गौर फरमाइएगा कि जब इतना बड़ा डिसीजन निश्चित किया गया कि ये 1500 लीटर प्रति मिनट तथा प्रयासी में और पुष्पराजगढ़ में 100-100 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाली मशीनें बैठाई जानी है, तो उस समय कितनी आवश्यकता होगी। लेकिन जमीनी हकीकत हम सब जानते हैं। जहां बात हो रही थी शुरुआत में 15 जून तक जिला चिकित्सालय के ऑक्सीजन प्लांट लगना प्रारंभ हो जाएंगे ऐसा कहा था प्रशासन ने, आज वही दिसंबर महीने का पहला पखवाड़ा बीतने को आ गया है, साल भर खत्म हो चुका है लेकिन ऑक्सीजन प्लांट का कहीं अता पता ही नहीं है। अब ये हालत केवल ऑक्सीजन प्लांट के साथ नहीं है, बल्कि सीटी स्कैन मशीन का भी कुछ यही हाल है। मशीनें जिला अस्पताल पहुंची लेकिन इंस्टॉल ही नहीं करवाई गई है। कहने को तो प्रशासन ये कह देगी कि हमने तो सिटी स्कैन की मशीनें भेज दी अस्पतालों में, लेकिन उनका इंस्टॉलेशन वाला प्रक्रिया जो है, जिसके बाद ही वो चल पाएंगे, जिसके बाद ही उसे लोग यूज कर पाएंगे, बेनिफिशियरीज यूज कर पाएंगे, जिसके बाद इंस्टॉल ही नहीं हो पाया है। ये विषय चिंताजनक है क्योंकि लोग आज कई मुसीबतों से जूझ रहे हैं, आज नहीं तो कल जरूर जूझेंगे। तो जरूरत है तो स्थिति को बदलने की और प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की। धन्यवाद, आज की खबर में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।